आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रयागराज से आई खबर की। गैंगस्टर एक्ट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। ये फैसला है कि बिना आपराधिक केस के भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि जिस पर गैंगस्टर लगाया गया उसकी हिस्ट्री शीट हो, हाई कोर्ट का ये कहना है। बिना एफआईआर के भी अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लग सकता है, हाई कोर्ट का कहना है। जहां पर यह बात तय कर दी गई है, जरूरी नहीं है कि कोई अपराधी हो तभी उस पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए, बिना हिस्ट्री शीट के भी किसी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया जा सकता है। ये हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है, बड़ा फैसला सामने आया। बहुत बड़ा फैसला है ये हाई कोर्ट का, समझते हैं इसके पॉइंट्स क्या हैं। देखिए, गैंगस्टर एक्ट के लिए जरूरी नहीं होगी हिस्ट्री शीट, किसी तरीके के आपराधिक रिकॉर्ड को नहीं देखा जाएगा। आपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो फिर भी ये एक्ट लगाया जा सकता है। आरोपी की गतिविधियों से ये तय हो जाएगा कि गैंगस्टर एक्ट का एक्शन सही है या नहीं। जरूरी नहीं है कि कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ हो। इतिहास की बात की जाए तो गिरोह बनाकर अपराध करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगता है। ऐसे में उनके बैकग्राउंड को नहीं खंगाला जाएगा, उनकी जो करंट सिचुएशन है, जो मौजूदा स्थिति में जो उनके खिलाफ साक्ष्य हैं, वही काफी है। और मोहम्मद मोइन ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मोइन, हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला कह सकते हैं कि हिस्ट्री शीट नहीं चाहिए, जो मौजूदा जो वर्तमान स्थिति है उसी के आधार पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही हो सकती है, विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, ये रामपुर से जुड़ा हुआ मामला है जहां इमरान और फहीम नाम के दो आरोपियों पर गैंगस्टर का आरोप लगा था। इन दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी और इस पूरे मामले में जो है इनके ऊपर गैंगस्टर के एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी उसे इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने कोई राहत देने के बजाय इनकी अर्जी को खारिज कर दिया। अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इस फैसले को देखें तो इसका आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर असर पड़ सकता है, इसका असर देखने को मिल सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अब भी बड़े पैमाने पर माफिया, बाहुबली या दूसरे ऐसे रसूखदार अपराधी हैं जो अपराध तो करते हैं लेकिन इनके खौफ की वजह से, इनके टेरर की वजह से तमाम लोग FIR दर्ज कराने से हिचकते हैं, बचते हैं, पुलिस तक नहीं जा पाते, मामला पुलिस में नहीं जाता, मामला कोर्ट में नहीं जाता है। तो ऐसे मामले में अगर देखें तो कोर्ट की ये जो टिप्पणी है, कोर्ट का ये जो फैसला है, ये बेहद अहम हो जाता है कि अगर आपने अपराध किया है, अगर अपराध हो रहा है तो उसके लिए कोई ना कोई दोषी है, किसी ना किसी के खिलाफ मुकदमा चलेगा, किसी न किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी, भले ही उस मामले में FIR दर्ज हो, भले ही किसी की। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फैसला है और कई सवाल भी उठाए जा रहे थे, गैंगस्टर कब कब किस पर लगाया जा रहा है, इसे लेकर के हाई कोर्ट का एक स्पष्टीकरण भी हो सकता है कि आप गैंगस्टर किसी पर भी लगा सकते हैं मौजूदा हालात को देख करके। शुक्रिया मोइन तमाम जानकारी के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।